बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले में मंगलवार को भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। हादसे में कम से कम 16 लोगों के मारे जाने और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बताया गया है कि ये ट्रेन हादसा दो यात्री ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर से हुआ। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ट्रेनें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे के बाद ट्रेन में चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई, घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसे में कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की सूचना है। टक्कर के बाद चटगांव और सिलहट के साथ ढाका का रेल लिंक रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोगों की मौतों पर शोक व्यक्त किया है। घटना स्थल का दौरा करते हुए रेल मंत्री MD नूरुल इस्लाम सुजा ने मृतकों के परिवारों के लिए 1,00,000 बांग्लादेशी टका मुआवजे की घोषणा की, जबकि जिला प्रशासन ने मृतक के परिवारों के लिए 25,000 बांग्लादेशी टका मुआवजा देने का ऐलान किया है। अखौरा रेलवे पुलिस के प्रमुख ख्यामल कांति दास के हवाले से पता चला है कि सिलहट से चटगांव जाने वाली उदयन एक्सप्रेस की मंगलवार तड़के 2:15 पर चटगांव से ढाका जाने वाली टुरना निशिता से मोंडो भाग रेलवे स्टेशन पर टक्कर हो गई थी। उपायुक्त हयात उद्दौला खान के अनुसार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य की विभिन्न अस्पतालों में मौत हुई। इस दुर्घटना के बाद चटगांव और सिलहट के साथ ढाका का रेल लिंक प्रभावित हुआ है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।